प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए जैसा कि हमने कल सॉल्व किया था विषय हिंदी की वार्षिक आकलन की वर्कशीट का सॉल्यूशन, इसी तरह आज हम करते हैं विषय गणित का, कक्षा चौथी का। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न एक से लेकर प्रश्न पाँच तक हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। यदि किसी वृत्त का व्यास 8 सेमी है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इनमें से हमें सही विकल्प देख के सही निशान लगाना है। प्रश्न दूसरा देखिए, आकृति के कितने भाग को छायांकित नहीं किया गया है? निम्न में से कौन सा 5 किलो चावल की बोरी से भारी होगा? एक 5 सेमी लंबाई और 4 सेमी चौड़ाई वाले आयत की परिधि होगी। 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सही और गलत का निशान लगाना है। प्रश्न 6, परिधि किसी आकृति की सीमा की लंबाई है। एक वृत्त की त्रिज्या इसका व्यास का 2 गुना होता है। एक चपाती चाट आयत का सलाखों के साथ डेटा प्रस्तुत करता है। एक 12 किलो चावल की बोरी 1200 ग्राम गेहूं की बोरी से हल्की होती है। विभाजन को बारंबार जोड़ विधि से भी हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों देखिए, हमारा जो प्रश्न 11वां है वो 3 नंबर का है, 12वां 4 नंबर का है, 13वां हमारा 2 नंबर का है, 14 है 4 नंबर का और 15 है 2 नंबर का। तो बच्चों, इनके प्रश्नों देखिए क्या पूछे गए हैं हमसे। विस्तृत घटाव विधि द्वारा हल करें। देखिए बच्चों, 576 को हम 12 से भाग देंगे और 276 को 6 से भाग देंगे। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा? 12, 12 15, 12 30, 12 45, फिर क्या आएगा आगे? 90A, 80B, 70C, फिर आगे क्या आएगा? हमें इस तरह से पैटर्न पूरा करना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ग्रिडों को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ग्रिड एक के देखिए बच्चों, ग्रिड एक और ग्रिड दो, दो हमें यहाँ ग्रिड दिए गए हैं। ग्रिड एक के बड़े वर्ग में 1 सेमी के कितने छोटे वर्ग हैं? तो बच्चों देखिए, ये हमारा एक ग्रिड है 1 सेमी का, तो पूछा गया है बड़े वर्ग, ये पूरा बड़ा वर्ग है, इसमें कितने 1 सेमी के छोटे वर्ग हैं हमें बताना है। अनुमान लगाइए कि 1 सेमी के कितने वर्ग ग्रिड 2 में हरे रंग के वर्ग को भर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अनुमान लगाएंगे हम कि ये जो हमारा बड़ा ये हरा ग्रिड है, इसमें कितने 1 सेमी के ग्रिड आ सकते हैं, वर्ग आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रूपांतरण पूरा कीजिए। आधा मीटर कितने सेमीमीटर के बराबर होता है? 1/4 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 3/4 कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्रलेख में उन छात्रों की संख्या दर्शाई गई है जो एक विशेष सप्ताह में किसी दिन में अनुपस्थित थे। 6 चित्रलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए बच्चों, सोमवार को इतने बच्चे एबसेंट थे, मंगलवार को इतने, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को। प्रत्येक चित्र 2 छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों देखिए, जो हमें एक यहाँ दिया गया है चित्र, वो 2 बच्चों को दर्शाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। पहला प्रश्न है, किस दिन कोई भी छात्र अनुपस्थित नहीं रहा? सप्ताह में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, चित्रात्मक प्रश्न 16 है, 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आकृतियों की परिधि ज्ञात करें। देखिए बच्चों, इसकी जो परिधि है वो हमें ज्ञात करनी है 1 की और 2 की। सोनम एक पक्षी अभयारण्य में गई और उसने वहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखा। नीचे चित्रलेख में उसके द्वारा देखे गए पक्षियों की संख्या दी गई है। चित्रलेख को समझे और उत्तर दे। देखिए बच्चों, जो प्रत्येक सितारा है, तारा है, वो 2 पक्षियों के बराबर है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए बच्चों, यहाँ पे देखना है, यहाँ पक्षियों की जो संख्या है वो है, और यहाँ देखिए पक्षियों के नाम हैं गौरैया, राजहंस, मोर, मकाओ और क्रेन। सोनम ने कितने मकाओं को देखा? सोनम ने क्रेन से गौरैया को कितनी अधिक बार देखा? सोनम ने मोर से राजहंस को कितनी कम बार देखा?
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, वर्णात्मक प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न। देखिए, चंदन ने 80 लड्डुओं की एक थाली बनाई है, उसे 24 छोटे डिब्बों में प्रति 4 लड्डू पैक करने होंगे। क्या उसके पास 24 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए पर्याप्त लड्डू हैं? यदि नहीं तो कितने और लड्डुओं की ज़रूरत होगी? यदि उसे 25 डिब्बे पैक करने होंगे तो कुल कितने लड्डुओं की ज़रूरत है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18वां। मीरा के पास 5 मीटर का फीता है, वह मेज पोश के किनारों को इस फीते के साथ सजाना चाहती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। इस मेज पोश के लिए आवश्यक फीते की कुल लंबाई क्या होगी? क्या उसे कुछ अतिरिक्त फीते की आवश्यकता है? यदि हाँ तो कितना? क्या मेजपोश के किनारों को सजाने के बाद कुछ अतिरिक्त फीता बच जाता है? यदि हाँ तो कितना? ठीक है बच्चों, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों कि यहाँ पे आप सभी को क्या प्रश्न दिए गए हैं, कैसे इन्हें हमें हल करने हैं। तो बच्चों देखिए, आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने प्रश्न पत्र को हल कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।